क्वेश्चन आया मेरे पास कि किस तरह से हम जो अपने ब्लू होस्ट के जो रेफरल लिंक्स हैं उनके बैनर्स अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर ब्लू होस्ट के बैनर्स लगा सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली गाइड करते हैं, मैं अपने लैपटॉप के अंदर चलता हूँ। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप के अंदर। तो क्या होगा कि हमारे पास ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है जो कि एक डमी वेबसाइट है। ऑन द अदर हैंड मैंने यहाँ पे अपना जो ब्लू होस्ट का अकाउंट है वो लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ लिंक्स के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है लिंक्स, और यहाँ पे मेरे पास देखें डिफरेंट टाइप्स के बैनर्स के यूआरएल हैं या ये ट्रैकिंग लिंक्स हैं। ये मेरे अकाउंट्स के, आपके अकाउंट्स के डिफरेंट होंगे, मेरे अकाउंट्स के डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट साइज के डिफरेंट टाइप्स के बैनर हैं। ये देखें, ये जो है वर्टिकल है, इसको आप वेबसाइट के साइड में लगा सकते हैं, ये अपने ब्लॉग के साइड में कहीं पे भी। ऑन द अदर हैंड ये देखें, ये स्क्वायर है, और ये डिफरेंट साइजेस के और डिफरेंट टाइप्स के बैनर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, ये जो हॉरिजेंटल बैनर है इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ट्रैकिंग लिंक दिया हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, और वापस अपनी वेबसाइट के अंदर आ जाता हूँ। नॉर्मल मान के चले मैं यहाँ पे एक बैनर लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको एडिटर को ऑन कर लेता हूँ। आपके केस में कोई भी एडिटर हो सकता है, एलिमेंटर या आपकी कस्टम वेबसाइट हो सकती है, जहाँ पे भी आप उसको कोड को लगाना चाहें। मान के चले यहाँ पे मैं इस कोड को लगाना चाह रहा हूँ, या यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होगा कोड, और यहाँ पे रॉ HTML WP बेकरी के केस में। एलिमेंटर के अंदर होगा शॉर्ट कोड, और अगर आपकी कोई कस्टम वेबसाइट है तो आपके डेवलपर को पता होगा कि किस तरह से लगानी है। तो यहाँ पे मैं वो रॉयल शेमल का ऑप्शन ले लूँगा, इस सब को मैं मिटा दूँगा और अपना कोड जो है यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये एक बैनर लग चुका है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ कि मुझे ये सेंटर में चाहिए। तो अच्छा, ओके, तो यहाँ पर मैं इसके कुछ एट्रीब्यूट लिख लेता हूँ सेंटर। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेंटर। आई डोंट नो HTML क्यों वर्क नहीं कर रही यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे इसको सेव करके, वर्क कर रही है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा और यहाँ पे देखिए सेंटर में आ गया, और इसको मैं अब अपडेट कर देता हूँ। अब मैं अगर इस पूरे पेज को देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें मेरे पास वो ये बैनर मैंने लगाया होगा। कोई भी जब बंदा इस पर क्लिक करेगा तो वो सीधा यहाँ पे देखें, अगर इस URL के अंदर देखें तो यहाँ पे देखें ये मेरे रेफरल URL से गया है उस वेबसाइट पर, और जब भी कोई चीज़ वो यहाँ से बाय करेगा तो उसका कमीशन मुझे मिलेगा। तो सिंपल ये एक वेबसाइट, ये एक मेथड था जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आई डोंट नो क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसको फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट के अंदर ब्लू होस्ट या किसी भी कंपनी के बैनर्स लगा सकते हैं। नॉर्मली चाहे आप A2 होस्ट के साथ एफिलिएट कर रहे हैं, चाहे होस्ट गेटर या साइट ग्राउंड या किसी भी वेबसाइट के साथ, तो इस तरह के जो शॉर्ट कोड्स हैं वो आपको मिलते हैं आपके उसी डैशबोर्ड के अंदर। तो उन कोड्स को आप कॉपी करके अपनी वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, बहुत ही सिंपल मेथड था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और लाइक एंड शेयर लाजमी करें, और मुझे नए टॉपिक सजेस्ट करें कमेंट के अंदर, ताकि उनके ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना सकूँ और आप लोगों के क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।